नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नया वीडियो में और आप लोग भी थंबनेल देख के तो समझ चुके मैं आज कहाँ आ चुका हूँ। ठीक है, आज मैं आ चुका हूँ वर्ल्ड फेमस या इंडिया का फेमस लैंगचा सिटी शक्तिगढ़ में। हाँ, ठीक है, सुन रहे, मेरा एक पहला वीडियो था तो वीडियो में तब ठीक से वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं आज आप लोग को फुल डिटेल्स में शक्तिगढ़ का लैंगचा सिटी घुमाऊंगा और लैंगचा दिखाऊंगा कैसा फेमस है। आप लोग बंगाल से हो तो और पश्चिम बंगाल में हो तो आप लोग जानते ही हो शक्तिगढ़ में क्या फेमस है। आप लोग जानते हो शक्तिगढ़ में लैंगचा फेमस है, मतलब मिठाई। शक्तिगढ़ का जो लैंगचा मिठाई है ना, वो बंगाल में मतलब पश्चिम बंगाल में बहुत ही फेमस है। और मैं अभी एक दुकान में आ चुका हूँ, मतलब इसमें तो लैंगचा दुकान में जाऊँगा। जो मैं पहला दुकान में आ चुका हूँ, मैं स्टडी किया था कौन सा वाला ठीक है, तो इस दुकान नंबर वन में मैं आ चुका हूँ। इस नंबर में घी का लंका होता है, ठीक है, मतलब घी जो आप लोग खाते हो ना, घी जो राइस के साथ घी खाते हो, तो उस घी से लंका होता है, तो घी का लंका मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और मैं अभी आ चुका हूँ शक्तिगढ़ में और शक्तिगढ़ के लंका मैं आप लोग को टेस्ट करके बताऊंगा कैसा है और मैं फुल डिटेल्स में एक्सप्लोर कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में जाते हैं और दुकान के अंदर जाते हैं। इधर दो तरफ का लैंगचा आप लोग को मिल जाएगा, एक 5 रुपया का और एक 10 रुपया का। तो ज्यादा मैं मिठाई नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं 5 रुपया का लैंगचा खाऊंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी तो चलिए पहले लैंगचा देख लेते हैं, फिर आप लोगों से लैंगचा का साइज दिखाते हैं, तो फिर आप लोगों से सब कुछ डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, चलो लैंगचा का साइज। दोस्तों आप लोग जो लैंगचा अभी देख रहे हो, 5 रुपया का लैंगचा है। ठीक है, वो साइज आप लोग देख ही सकते हो, साइज बहुत ही बढ़िया साइज है। तो 5 रुपया में जो लैंगचा है वो बहुत ही बेस्ट है, तो आप लोग आ सकते हो। मैं दुकान का एड्रेस में सब कुछ आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए 10 रुपया का लैंगचा जो साइज देख रहे हो वो अभी 10 रुपया का लैंगचा का साइज है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा साइज है, तो आप लोग को जो पसंद है आप लोग खरीद लेना। एक 5 रुपया का है, 10 रुपया का है, तो साइज ठीक ठाक ही है। तो आप लोग को जो पसंद है, मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खाता हूँ इसलिए छोटा साइज ऑर्डर किया। तो आप लोग देख ही रहे हो कितना मिठाई है, आप लोग मुँह में पानी आ रहा है लैंगचा देख के। तो सोचिए सामने जब आप लोग खाओगे तो आप लोगों को कैसे लगेगा। तो आ जाना शक्तिगढ़ में, शक्तिगढ़ का जो दुकान में मैं अभी आया हूँ सब एड्रेस में दे दूँगा। ठीक है, मीठाना का जो फेमस है आप लोग जानते हो, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्धमान का सीताभोग और मीठाना बहुत ही फेमस है, तो आप लोग जैसे जानते हो। तो मैं मीठाना सीताभोग नहीं दिखाऊंगा, मैं आज लैंगचा दिखाऊंगा। तो लैंगचा सिटी में मैं आ चुका हूँ, चलिए लैंगचा टेस्ट करेंगे। और जैसे मैं बताया 5 रुपया का और 10 रुपया का जो लैंगचा साइज दिखा है बहुत ही बढ़िया है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक साइज है। तो आप लोग आ सकते हो लैंगचा पन में, तो सामने रोड के साइड में है। तो सब कुछ मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा, अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं अभी बहुत सारा दुकान में जाऊंगा, हर दुकान का एक एक टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए लैंगचा पहले टेस्ट करते हैं, फिर आप मैं 5 रुपये का लैंगचा देख सकते हो। तो मैं पहले ही बता दिया था मैं ज़्यादा मिठाई नहीं खाता, इसलिए थोड़ा सा ऑर्डर किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो दो लैंगचा मैं ऑर्डर कर चुका हूँ, अभी मैं खाऊंगा, खा के मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो जैसे मैं बताया शुरू में, एक घी का लैंगचा है, कोई और करीब घी है जो आप लोग राइस से खाते हो, उस घी का ही लैंगचा है। ठीक है, तो अभी मैं बैठ चुका हूँ, आने के बाद आप लोग को लैंगचा खा के दिखाता हूँ। तो अभी खा के आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, बहुत ही स्मूथ भी है, मतलब कोई खाली कुछ नहीं होती है। तो जैसे मैं आप लोग देखिए रस कितना है देख ही सकते हो, तो आप लोग इधर आ जाइए, घी का लैंगचा, ठीक है, कोई और कुछ नहीं, घी का लैंगचा, कोई आटा मोटा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, घी का लैंगचा है, आप लोग खाइए, बहुत ही बढ़िया है। तो देख ही सकते हो आप लोग अंदर का जो लिया है वो देखिए, पहले देखिए कितना
बढ़िया तरह से बनाया गया है। दुकानदार को मैं थैंक्स कहूँगा इतना सुंदर एक कॉफी मुझे देने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया है, मीठा मीठा ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक से सब कुछ है। मतलब 5 स्टार से 5 में मैं 4 स्टार दे दूँगा, ठीक है। 5 में 4 स्टार जब से इस लेंचे को मिल जाएगा तो आप लोग आ सकते कोई दिक्कत नहीं है लेंचा फोन में। चलिए खा लेते फिर आप लोगों से। तो मेरा खाना तो कंप्लीट हो चुका है, अभी खत्म सब कुछ एक बार में खा लिया। तो लंचा तो बहुत ही बढ़िया है, आप लोग लंचा फोन में आ जाइए। मैं सब कुछ एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और शक्तिगढ़ में जो बस टैक्सी जो भी लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं शक्तिगढ़ में रुकेगा ही, क्योंकि लंचा है इसलिए तो रुकेगा ही। जो भी बस टैक्सी वैक्सी जो भी टूरिस्ट लोकल लोकल इधर पता नहीं आता, बट जो लोग टूरिस्ट है दूर दूर से जाता है इस रोड से, तो वो लोग इधर रुकेगा ही और लंचा तो टेस्ट करेगा ही और घर वाले को भी लेके जाएगा। तो आप लोग आ जाइए, आप लोग जब इधर से जाओगे तो आप लोग जरूर से जरूर इधर रुक के आप लोग लंचा जरूर टेस्ट करेंगे। तो लंचा में जैसे बताया 5 में 4 स्टार में दे दिया, ठीक है। तो लंचा तो बहुत बढ़िया है। अभी मैं जैसे बताया मैं घी का लंचा खाया और भी लंचा खाऊंगा दूसरी दुकानों से। तो चलिए अभी इस दुकानदार से बात कर लेते हैं लंचा के बारे में। चलिए दुकानदार से मैं कुछ बात करके आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा। दादा ये दुकानेर के जो रास्ते चाहिए ना, ये दुकानेर एड्रेस तक लंचा फोन का ही रास्ता मान के लंचा फोन मैंने आप लोग नाम आगे कौन दुकान है। अच्छा कत आप लोग जान सुन चुके हो 15 साल का पुराना एक दुकान है। और आप लोग जब इधर से आओगे लंचा फोन आप लोग को दिखा देगा पोस्टर ऊपर। तो आप लोग जरूर से जरूर इस दुकान में आना और घी का लंचा खाना है तो इधर ही आना, ठीक है। जैसे मैं सब कुछ बोल के इसमें बता दिया तो डिस्क्रिप्शन में इस लंचा का मैं लोकेशन दे दूंगा इस दुकान का, चेकआउट जरूर से जरूर कर लेना। चलिए आज का वीडियो एक लंचा का मैं तो खा लिया, अभी दूसरा एक दुकान में जाऊंगा। तो चलिए दूसरा दुकान में मिलते हैं। दोस्तों मैं आ चुका फिर से और एक दुकान में, मतलब सेकेंड दुकान में, मतलब मैं था तब उस पर में, ठीक है। अभी मैं इस लाइन में हूँ तो उस लाइन का जो फेमस दुकान में जैसे बता दिया का जो फेमस दुकान है आप लोग मामा भांग में दुकान का नाम है मामा भांग का दुकान, आप लोग आ सकते हो। मतलब जब आप लोग कोलकाता दीप में जाओगे तब ये दुकान मिलेगा इस लाइन पे, और जब आप लोग वर्धमान दीप में जाओगे तो उस लाइन के अपॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं मामा भाई ने दुकान में आ चुका हूँ। मामा भाग ने मैं 5 रुपये से 12 रुपये तक सब कुछ साइज मिल जाएगा, साइज इधर सबसे बड़ा साइज आप लोग को मिल जाएगा। तो अभी चलिए बाहर बहुत ही बारिश है तो भीग चुका हूँ मैं पूरा, तो माहौल भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए अभी पहले अंदर जा रहे थे, अंदर जाके सब कुछ मैं दिखा दूँगा। अभी दुकान के अंदर आ चुका हूँ, अभी दुकान का अंदर जब आओगे सारा मिठाई का सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मिठाई का मिठाई का कोई वीडियो नहीं, आज मैं सिर्फ लंचा दिखाऊंगा आप लोगों को। तो लंचा दिखाने के लिए मैं आ चुका हूँ लंचा मामा भागने दुकान में। तो जब मैं उस बार में तो आप लोगों को जैसे देखेंगे, और इस बार में जब आप लोग सारा जाओगे तब मामा भागने में जरूर उतारना, और उतारने के बाद लंचा जरूर टेस्ट करना। तो चलिए लंचा का साइज लंचा का प्राइस देख लेते हैं फिर आप लोगों से। Thank you.
लोग जो साइज देख रहे हो ये अभी 10 रुपए का साइज है, तो 10 रुपए में आप लोग देख लीजिए। मैं पहले ही बता दिया था इस दुकान में साइज आप लोग को मिल जाएगा सबसे बड़ा साइज, देखिए 10 रुपए का कितना बड़ा साइज आप लोग को मिल जाएगा सिर्फ 10 रुपए में, एक पीस का दाम 10 रुपया है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट साइज नेक्स्ट प्राइस का लैंगचा देखते हैं। तो अभी आ चुके 8 रुपए का लैंगचा में, तो 8 रुपए में देख सकते हो कितना बड़ा साइज है, देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए 8 रुपया का साइज है, 12 रुपए का साइज देख सकते हो, बहुत ही बिग साइज है। आप लोग पेट एक साइज खाओगे तो पेट भर जाएगा इतना बड़ा साइज है, तो आप लोग जल्द से जरूर मामा भांगने दुकान में आप लोग जरूर से जरूर आना, टेस्ट जरूर करना। इससे भी बड़ा है, अच्छा 25 रुपया वाला, अच्छा उससे भी बड़ा है, अच्छा ठीक है, सब आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी देखिए 10 रुपए का जैसे मैं दिखाया था आप लोगों को, इधर 10 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगा, और इधर आप लोगों को 5 रुपए जैसे मैं बताया था, मैं ज्यादा मिठाई नहीं खाता इसलिए मैं 5 रुपये का लंच ऑर्डर किया, तो 5 रुपये का लंच मैं खाऊंगा, ज्यादा मिठाई मुझे सूट नहीं करता, तो आप लोगों को 5 रुपया से 25 रुपीज में आप लोग को लैंगचा मिल जाएगा, ठीक है। मैं सबसे बिग साइज लैंगचा का साइज में दिखाऊंगा, जो एक पीस का दाम है 25 रुपीज, मतलब 25 रुपया में सबसे ज्यादा बिग साइज का लैंगचा मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो जैसे मैं बताया इस मामा भांगने दुकान में सबसे बड़ा कम दाम में सबसे बड़ा लैंगचा आप लोग को मिल जाएगा, तो 25 रुपीज का एक लैंगचा है एक पीस का 25 रुपीज, ठीक है। तो बिग साइज लैंगचा में अभी आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, तो देख ही सकते कितना बिग साइज है, बिग साइज का एक लैंगचा, तो आप लोग साइज देखे तो पता चल जाएगा, आपने पूरा एक लैंगचा खाओगे तो आपका पेट पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो देख ही सकते हो 25 रुपए का जो लैंगचा है, और आप लोग इधर हर तरफ का मिठाई रसगुल्ले सब कुछ मिल जाएगा, तो 25 रुपए जो लैंगचा है आप लोग एक पीस खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। तो अभी मैं लैंगचा टेस्ट करूंगा, जैसे मैं पहले जैसे टेस्ट किया था इसको भी टेस्ट करके मैं रेटिंग बताऊंगा, 5 में से कितना देना दूंगा या नहीं दूंगा सब कुछ रेटिंग देके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए लैंगचा तो मेरे सामने है, ज़्यादा ऑर्डर भी नहीं किया, जितना खा सकता हूँ उतना ऑर्डर कर चुका हूँ, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे पहले रिव्यू दे देते, खाने के बाद रिव्यू देंगे जल्द से जल्द, तो चलिए टेस्ट कर लेते पहले, चलिए खा लेते। तो देख ही सकते हो कितना अच्छे लग रहा है, इतना जो पहले से भी जो पहले दुकान में गया था अभी दूसरा दुकान में बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, रियाज जो है पूरा बढ़िया, बहुत ही 100 में से 100 तो दूंगा, ठीक है। तो देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, तो चलिए खा लेते पहले फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए खा लेते पहले, टेस्ट करके बताएंगे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। रिव्यू तो मैं 5 में से 4.5 दे दूंगा, पहले दुकान में सिर्फ 4 दिया था बट दस 4.5 दूंगा, सोचिए कितना अच्छा लैंगचा मिल जाएगा आपको। तो जरूर से जरूर आप नवा भागने लैंगचा में जरूर से जरूर जाना, लैंगचा टेस्ट करना, और लैंगचा तो बहुत ही बढ़िया है जैसे मैं बताया, मतलब 5 में से 4.5 सोचिए कितना अच्छा है रेटिंग। तो आप लोग जब आओगे टेस्ट करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसा है, ठीक है। तो चलिए पहले टेस्ट कर लेते हैं, तो जैसे लैंग में खा लेगा पहले, तो खत्म हो चुका है फिर भी है खाने को इच्छा जग रहा है, ज़्यादा
मुझे नहीं कहूँगा, मुझे ज़्यादा सर के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ होगी तो ज़्यादा नहीं, ठीक है। रात कुछ ज़्यादा ही हो चुका है तो ज़्यादा नहीं खाएंगे। जैसे मैंने बताया तो 5 में से 4.5 रेटिंग तो मैंने दे दिया, और आप लोगों से खाना बाकी है। आप लोग इधर आइए, जैसे मैं मामा बाग ने एक पोस्टर दिखा दिया, आप लोग जब कोलकाता रूट में जाओगे तब एक लंच मिलेगा, ठीक है, दुकान मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए, खाना तो हो चुका है, रेटिंग भी दे दिया, टेस्ट भी बता दिया, बहुत ही ज़्यादा मीठा भी नहीं है, कम भी नहीं है, जैसे मैं पहले बताया था, ठीक ठाक है, ठीक ठाक ही है, बहुत ही अच्छा है। तो खाने में तो बहुत ही मज़ा आया। आप सिर्फ आप लोगों को आना बाकी है, आप लोग इधर आ जाइए, सिर्फ खा के बताना। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, उठते दोस्तों। आज का वीडियो इस दुकान को मैंने जैसे देखा दिया मामा भाग ने दुकान, आप लोग जरूर से जरूर इधर आना। और पहले मैं अभी दुकानों का जो भैया लोगों के साथ में बात करूँगा, एड्रेस दुकान का बारे में कुछ जान आप लोगों को जानना चाहिए, जान जाना के बाद फिर आप लोगों को सब कुछ बताते हैं। बोलिए दुकानटा कि একটাই দোকান আছে তোমার মামা ভাগ্নে? মানে মামা ভাই একটাই নাম আছে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা কত বছর পুরনো দোকান? তো ৩০ না তো ভালোই পুরনো। আর এখানে শুধু ল্যাংচার সাথে সাথে সবকিছুই পাওয়া যায় প্রায়, মিক্স সবকিছু। আচ্ছা, जैसे मैं भाई लोग के साथ बात किया, दुकान का जो एज है 30 ईयर्स, मतलब सोचिए 30 ईयर्स पुराना दुकान है, तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा होगा। और एक ही दुकान है, मामा बागड़े नाम की एक ही दुकान है। आप लोग जब कोलकाता रूट में जाओगे तब आप लोगों को बाएं तरफ मिल जाएगा दुकान, आप लोग जरूर से जरूर इधर आना। और दुकान का जो एड्रेस का लिंक जो मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आजकल जैसे मैंने बताया शक्तिगढ़ का लाइन चार कैसा है, नहीं है, सब कुछ बता दिया। सिर्फ आप लोग आना बाकी है, आप लोग आ जाइए, टेस्ट करके बताना। तो चलिए, आज के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।